मैं अंजलि, अंजलिस रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैबेज की सब्जी बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये सब्जी झटपट से बन जाती है फ्रेंड्स। अगर आपको टिफिन बॉक्स के लिए लेट हो रहा हो और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये सब्जी 5 मिनट में बन जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए ये झटपट सी सब्जी बनाने के लिए चालू करते है। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए जान लें। सबसे पहले मैंने 1.25 किलो कैबेज लिया है और 2 बड़े प्याज लिए हैं और 4 मिर्ची लिए, हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और मूंग की दाल है, मैंने 2 चम्मच ली है, भिगो कर रखी है। और मूंगफली का पाउडर है, मूंगफली को भूनकर पाउडर बनाया है। और हरा धनिया, करी पत्ते, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और धनिया पाउडर और ऑयल। तो चलिए बनाने की विधि चालू। तो चलिए, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें बगैर ऑयल के 1.5 किलो कट किया हुआ कैबेज डाल रही हूँ। इसको हमें बगैर ऑयल के भून लेना है। कैबेज में एक अजीब तरह की स्मेल होती है, जब हम उसको भून के अच्छे पानी से धो लेते हैं तब उसकी और खुशबू कम हो जाती है, तो स्मेल आना छोड़ देती है। बगैर ऑयल के भूनना है और उसमें पानी में धो लेना है, धो के निचोड़ लेना है बाद में। फ्रेंड्स, जो कैबेज नहीं खाते हैं वो भी ये सब्जी बनाने के बाद इसको खा लेते हैं, इतनी टेस्टी बनती है ये और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। ये देखिए, ये भूनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे, ये जो पानी रखा है ना, ये देखिए, इस बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे पूरी ठंडा पानी लिया है मैंने, पानी में डाल के अच्छी तरह से धो लेना है, धो के आपको निचोड़ लेना है, पूरा पानी निकाल लेना है इसमें। ये देखिए, ऐसे पानी में से पूरा निचोड़ लेना है आपको सब्जी, और बाद में ये पानी फेंक देना है। ये देखिए, सब्जी पक रही है, मैंने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा लिया है। तब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। और यह मेरे टिप्स नए जो खाना बनाते हैं उनके लिए मेरे वीडियो टिप्स बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। खाना तो सभी बनाते हैं अच्छा, मगर सबका अलग अलग टाइप का खाना बनाने का पद्धत होता है। ये देखिए, सब्जी पक रही है, मैंने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा लिया है। तब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। और यह मेरे टिप्स नए जो खाना बनाते हैं उनके लिए मेरे वीडियो टिप्स बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। खाना तो सभी बनाते हैं अच्छा, मगर सबका अलग अलग टाइप का खाना बनाने का। ये देखिए, मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है गैस ऑन करके, ऑयल डाला है 2 चम्मच, ऑयल भी गर्म हो चुका है, मीडियम हीट पर रखना है इसे। ये देखिए, मैं अब राई और जीरा आधा आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये चम्मच डालने के बाद इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, 4 ली थी मैंने। हरी मिर्च को भून लेना है। चलिए, हरी मिर्च भून चुकी है, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। दो प्याज है, मैंने इसको बारीक काट लिया है।
इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि प्याज जल्दी से भुने। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज, थोड़ा सा भून जाए। चलिए ये देखिए प्याज भून चुका है। अब मैं इसमें जो हमने कैबेज का पानी निकाल कर लिया था ना निचोड़ के देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी। 2 मिनट ढक्कन रख के दो गैस धीमे करनी है। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं कैसे बनी है सब्जी। ये देखिए अच्छी बनी है। अब मैं इसमें मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ। देखिए ये 2 बड़े चम्मच है। मूंगफली को रोस्ट करके पाउडर बना लेना है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और ये देखिए 1 कटोरी हरा धनिया डाल रही हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। अब मैं थोड़ा डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। अब मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देती हूँ। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। चलिए वाह क्या खुशबू आ रही है। ये देखिए इतनी अच्छी बनी है सब्जी। फ्रेंड्स मैं अब गैस बंद कर देती हूँ और सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ इसको। तो चलिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म कैबेज की झटपट बनने वाली ये सब्जी तैयार है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको सब्जी टेस्ट करके बता दियो। वाह क्या सब्जी बनी है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है। आप जरूर बना के दिखा देखे फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।